ओके देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट किया था, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था ईएम वेव्स का। पहले तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हमने जो क्वेश्चन नेक्स्ट करना है वो ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय, तो बी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। बी वेक्टर की डायरेक्शन बोलो कहाँ पर है, टू आई कैप प्लस जे कैप, पहला पॉइंट क्लियर है। वेव प्रोपगेशन किस एक्सिस के अलोंग है, जेड, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, जेड, तो जो वेव प्रोपगेशन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो वेव प्रोपगेशन जेड के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड टू आई कैप प्लस जे कैप है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन बताना क्या है, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चारों में से कैसे आप डिसाइड करेंगे, चेक करें प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिसाइड करेंगे, रूल नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड अगर टू आई कैप प्लस जे कैप है, वेव प्रोपगेशन अगर के कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड से कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, तो यहां से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 4.8 इंटू 10 की पावर 2। तो जब मैंने ऑप्शन देखो, ऑप्शन साथ साथ देखनी है, जब आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर ये बी नॉट है और वो ई नॉट है, तो मेरे को लगा शायद बात बन जाएगी, बात नहीं बनी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू सब में एग्जैक्टली सेम है। उल्टा मैं सोच रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन की भी क्यों, मैं अंदर से 30 सेकंड भी ख़राब करके आ रहा हूँ, तो पहले मुझे ऑप्शंस देख लेनी चाहिए थी। ई नॉट तो सेम है, तो कैलकुलेशन करने का फ़ायदा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डायरेक्शन से फैसला करूँगा, क्योंकि वेव प्रोपगेशन कहाँ पर है, जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शन में भी क्या आना चाहिए, ओ सब में जेड है, अब सब में जेड है, अब कैसे फैसला होगा इसमें, क्योंकि इसमें तो सब में जेड है, तो अब मैं डायरेक्शन किसकी देखूंगा, ई वेक्टर की। अब जो ई वेक्टर है वो बी वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90, तो अब मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा, ऑप्शन साथ साथ देख के, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 2i कैप प्लस जे कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑप्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 होना जरूरी है, तो ई वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो अगर बी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप है, मैं ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा, मैं ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा कि जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। और वो ऑप्शन क्या है इसमें, वो ऑप्शन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे चेक करना है, तो आपके पास ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ई वेक्टर आपने वो चूज करना है कि बी वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। तो पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल, अब कई लोग यहां कंफ्यूज होते हैं, क्या कि ये मेरे पास ई वेक्टर आ गया, चलो ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया, चलो तो वेव प्रोपगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी जरूरी है, तो आप कर लेना चेक। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है कि ये आपके पास ई वेक्टर है, ऑप्शन ने चूज किया आपने, ये आपके पास बी वेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर मैं साइड पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं और कैलकुलेट करूं तो आंसर जेड के लॉन्ग ही आएगा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, आपको नहीं करना, आपको तो ऑप्शन देख के बता देना है कि बी वेक्टर और ई वेक्टर का जो डायरेक्शंस हैं इनमें डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, नीट में मेंस में दिखेगी, नीट वालों को इससे, ये लास्ट क्वेश्चन है नीट का, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, मेंस में फिर भी जा सकता है। तो आज हमको एक शीट भी करेंगे जिसमें मेंस और नीट दोनों के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो आप 10 क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप ही ने देना है, पहले मैं अपनी शीट्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन जो आया वो ये आया, मेंस में आया, नीट में तो मुझे इन शीट्स में से थोड़ा मुश्किल लगता है, नीट वालों को एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा पूछी जाती हैं, पर मेंस में तो आए हुए क्वेश्चन हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और 2018-19 का सबसे मुश्किल पेपर है और ये शीट उसी में से बनी हुई है, तो मतलब इससे ऊपर नहीं जाने वाला, और मैंने जान के इंक्लूड की हुई है ताकि डिफरेंट वैरायटी को हम देख सकें, नॉर्मल क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम क्या है, अब नॉर्मल क्वेश्चन फिर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन गिवन होती है, इसमें दो दो इक्वेशन हैं, एक बी नॉट की फॉर्म में, एक बी वन की फॉर्म में है,
हाँ एक बात पक्की है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, जेड। जेड का मतलब वेव प्रोपगेशन इज अलोंग जेड एक्सिस। पहला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलोंग है, आई कैप। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, जे कैप। अब क्वेश्चन क्या है, बी नॉट और बी वन तो उसने दे दिया, आपको निकालना है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज एट जेड इज इक्वल टू जीरो। मेरा पहला क्वेश्चन कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ फोर्स की, तो चार्ज पार्टिकल पे यहां पर कौन सी फोर्स लगेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या माइंड में आ रहा है, बी क्यू वी साइन थीटा आ रहा है, पर यहां लग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किस पे है, एट रेस्ट पे है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती। तो मैं सोच रहा हूं मैग्नेटिक लगेगी नहीं, बी का क्या करूंगा, बी टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को चेंज, तो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, क्योंकि जो रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें पहले ई, फिर क्यू इंटू ई लगाएं, फोर्स आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स कैसे बोली, मैंने तो आज तक नहीं सुनी आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स। आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सुनी, मैग्नेटिक फील्ड सुनी, अल्टरनेटिंग करंट सुना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ सुनी, फोर्स की कैसे? तो कल को अगर मेरे मैथ्स में नंबर 90 आते हैं 100 में से, तो कोई पूछे सर आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो मैं 90 डिवाइड बाय रूट 2 कर दूं? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना यार, कोई लॉजिक होता होगा आरएमएस का। आरएमएस की कैलकुलेशन कब करते हैं, जब कोई भी टर्म क्या होती है, साइनोसाइडल, ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसाइडल, ऐसा होता था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कॉस फंक्शन है, इसका मतलब इज चेंजिंग विद टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉस या साइन फंक्शन होगा, तो इसका मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो फोर्स की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी, आरएमएस। तो आरएमएस फोर्स में, फोर्स आरएमएस नहीं है, आरएमएस फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आरएमएस है, राइट? तो पहले काम करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये बी नॉट पता है, ई नॉट बाई बी नॉट सी है, ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट है, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, सी पता है, बी नॉट पता है, मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही ये बी वन है, सी को बी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वन आ गया। पॉइंट ये है, मैं डायरेक्शन कैसे लिख रहा हूं, एक काम करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है, आई कैप है, वेव की प्रोपगेशन जेड है। तो ये लो, वेव की प्रोपगेशन जेड, जेड का मतलब के है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप है, तो मैं ये जानता हूं कि वेव की प्रोपगेशन इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, तो मैं ई वेक्टर क्या लूं ताकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट के आ जाए, आंसर इज माइनस जे, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस जे, सही। ऐसी दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, जे, वेव की प्रोपगेशन कहां है, के, तो ये रहा आपका जे, ये रहा आपका के, तो मैं क्या लूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, के। तो क्या लूं इसमें, इसके अंदर मुझे ये प्लस आई लेना चाहिए, गलत है ये प्लस आई, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस आई, ऐसे सही है। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको यहाँ साइड पे करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, कि अगर आपका ई वेव की प्रोपगेशन के है, मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो ई वेक्टर आ जाएगा, वेव की प्रोपगेशन के है, मैग्नेटिक फील्ड जे है, तो ई वेक्टर आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म आ गई, तो ये आपके पास क्या आ गया, ई वन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ई टू आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो नेट फोर्स क्या होगी, चलो नेट फोर्स होगी क्यू इंटू ई,
क्यू इन टू क्या होगी, नेट फोर्स आ गई। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई से कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई आ रही है। तो मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट का स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गई, मैक्सिमम फोर्स आ गई, पर हमें तो आरएमएस फोर्स निकालनी है। तो मैक्सिमम फोर्स इसके इक्वल आ गई, इसको रूट टू से क्या कर दिया, डिवाइड, तो आरएमएस वैल्यू आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में तो नहीं आता, बट हाँ नीट में यहाँ तो समझ में आना चाहिए कि अगर आपको ये बी गिवन है या अगर ये वाली वैल्यू गिवन है और बी की डायरेक्शन गिवन है, वेव की प्रोपगेशन गिवन है, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ई की डायरेक्शन क्या होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन नीट में डायरेक्शंस पे ही आते हैं, पर मेंस में तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। आज हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में इसके बाद, तो नेक्स्ट टाइम फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। तो मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, ये मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट, और लाइट इज एन ईएम वेव, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड इज प्रोपोगेटिंग, तो ये क्या गिवन है, वेव की प्रोपोगेशन। तो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। इट इज पोलराइज अलॉन्ग के कैप, जब भी वर्ड पोलराइजेशन आ जाए, पोलराइजेशन लाइट का फिनोमिना है और लाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ई वेक्टर। तो जो डायरेक्शन पोलराइजेशन वेक्टर की होगी या पोलराइजेशन की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, ई वेक्टर की होगी। तो अगर वो ये बोलता है कि लाइट पोलराइज है के कैप, तो ई वेक्टर भी कहां पर है, के कैप। तो वेव प्रोपगेशन गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का की डायरेक्शन गिवन है, आपको इसमें क्या निकालना है, बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है इसमें क्या होगी। ठीक, तो बी वेक्टर ये रहा, ठीक। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी, बात खत्म। वेव प्रोपगेशन कहां पर है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। तो इस इक्वेशन में आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू तो होना ही चाहिए, तो चलो कम से कम ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन तो इलिमिनेट हुआ, एक गया। नेक्स्ट, अब मुझे जो ई वेक्टर चाहिए वो बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे चाहिए, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो के कैप है, वेव की प्रोपगेशन आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों के साथ क्या क्या एंगल पे आएगा, 90 पे आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि जो भी इसमें से ऑप्शन चूज करें, ई वेक्टर की ये डायरेक्शन है ई वेक्टर की, वो मैग्नेटिक फील्ड या वेव प्रोपगेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो में क्या देगा, ये तो देने से रहा, तो आपके पास क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू। नहीं तो ऐसा कर लें, छोड़ें, ई क्रॉस बी वेव प्रोपगेशन है, वेव प्रोपगेशन आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू है, ई वेक्टर के कैप है, तो मैं क्या लूं यहां पे कि मेरा आंसर क्या आ जाए यहां पर, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। तो आप हिट एंड ट्रायल करें, ऑप्शन से चेक करें, एक एक करके वैल्यूज उठाएं, इस वैल्यू को यहां पुट करें और क्रॉस प्रोडक्ट करके देखें कि आंसर क्या आना चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू। तो आपको आंसर मिलेगा आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट टू, तो आपके पास दिस इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हिट एंड ट्रायल से कैसे, देखो ईएम वेव की जब भी इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन तो चेक करनी ही है, और कोई तरीका है ही नहीं, हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। जैसे ओके, ये तो खत्म हो गया। जैसे नेक्स्ट है, एक ना 99 नंबर शीट थी जो स्टार्टिंग की पहली शीट थी, ये वाली, ये देखो यहाँ से स्टार्ट थी ये वाली थी ना, जिसमें इंटेंसिटी की डेरिवेशन थी। इसके अंदर ना दो क्वेश्चंस हैं जिनमें से पहला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेडिकल वाले लिख लें, नॉट फॉर मेडिकल। ये दो क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन, नॉट फॉर मेडिकल लिख लें, नहीं चाहिए ये 99।
99 नंबर शीट है, नॉट फॉर मेडिकल, राइट। सिर्फ ये दो तीन क्वेश्चन बस। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के भी थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं, तो एक बार देख लेते हैं और आप डिसाइड करना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना है या नहीं करना, वो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि 2018-19 का पेपर है, थोड़ा मुश्किल पेपर आया था, लेकिन आज की डेट में जो पेपर आ रहा है वो नॉर्मल पेपर आता है। तो क्वेश्चन है, ईएम वेव फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, तो एयर से मीडियम में एंटर कर रहा है ईएम वेव। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देखो इक्वेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल है एयर में, एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मीडियम में, दो वैल्यूज गिवन है। अब दोनों की इक्वेशन सिमेट्री में नहीं है, इसकी इक्वेशन कुछ और गिवन है, इसकी इक्वेशन किसी और तरीके से गिवन है, राइट। इसके अंदर इतना पता लग रहा है कि वेव की प्रोपगेशन इज अलोंग जेड एक्सिस, ये पता लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर के वेव नंबर है, वेव नंबर का मतलब क्या होता है, 2π/λ गिवन है, एंड मीडियम नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है इसमें। एप्सिलन आर वन एप्सिलन आर टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर एंड मीडियम है, तो आपको इसकी रेशियो बतानी है किसके इक्वल है, और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और कहाँ उसकी परमिटिविटी की रेशियो निकालनी है। अब पहला पॉइंट ये है कि इन दोनों इक्वेशंस में सिमेट्री नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये किसी और फॉर्मेट में है, ये किसी और फॉर्मेट में है। सबसे पहले हमने एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया, फिर हमने क्या किया, जो के होता है वो क्या होता है, 2π/λ, और लैम्डा क्या होता है, c/ν, तो न्यू ऊपर चला गया तो के क्या हो गया, 2π/ν/c। तो पहली इक्वेशन में जहाँ पर 2π/ν/c है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, के, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, के, पहला स्टेप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2π/ν=kc। तो यहाँ पे जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा 2π/ν को इससे और इससे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, इसमें करेक्शन है, यहाँ पे टाइम भी आएगा, टाइम टी। तो जहाँ पर 2π/ν आ रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, kc, और जहाँ पर 2π/ν/c आ रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, k। तो आपके पास इसकी जगह पुट कर दिया मैंने k, और इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, kc। ये मेरे पास इक्वेशन e1 की वैल्यू आ गई, e1 में से मैंने k को कॉमन निकाल लिया, ये मेरे पास क्या आ गया, e1 आ गया। और इस इक्वेशन में e2, ये मैंने e1 आ गया, e2 इसके नीचे लिखा मैंने। अब देखो दोनों इक्वेशन में कुछ सिमेट्री नज़र आ रही है, ये e1 है और ये e2 है, इसके अंदर अभी भी सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर z अकेला है और यहाँ पर 2z है। एक काम करो, 2 को कॉमन निकालो यहाँ से, जब इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, c/2। तो ये क्या बन गया, 2k, ये क्या बन गया, k। तो e2 बनेगा 2k की फॉर्म में, e1 बनेगा k की फॉर्म में, आ गया। अब ये होता क्या है, वेव नंबर 2π/λ। अब कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो एक चीज़ उसकी कभी चेंज नहीं होती, और वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा भी चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी और वेवलॉसिटी भी चेंज होती है। अब मुझे पता लग रहा है कि जो E2 मीडियम है उसमें जो वेव नंबर है वो E1 मीडियम से डबल है, दिख रहा है वो, तो इस मीडियम में जो वेव नंबर है वो वैक्यूम एयर से डबल है, और वेव नंबर होता क्या है, 2π/λ। तो ये 2π/λ, ये 2π/λ0, ये एयर है, ये मीडियम है, तो यहाँ से मीडियम की वेवलेंथ क्या आ गई, λ0/2, एयर या वैक्यूम की मीडियम से हाफ आ गई। अब जो वेवलेंथ होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c=λ या v=λ, तो वेलोसिटी मीडियम में वैक्यूम की वेलोसिटी से क्या आ गई, हाफ आ गई। तो मुझे ये पता लगा सिर्फ इन दो इक्वेशन से कि जो वेव की वेलोसिटी है वो मीडियम में हाफ हो जाएगी वैक्यूम से। अब ये रिजल्ट क्लियर है। अब मुझे पता है जो सी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0, क्योंकि मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो ये तो उड़ा दो, ये चाहिए ही नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ ε0, करेक्शन कर लेना, इधर बचेगा ε m और इधर आएगा ε0, ε m ε0, राइट। अब एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट मीडियम, एप्सिलॉन नॉट या जो भी वैक्यूम के लिए क्या यूज़ करेंगे, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट,
मतलब यहां पर ये वैक्यूम कर लो चाहे, ये वैक्यूम है और ये मीडियम है, तो मीडियम का एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट और वैक्यूम का एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से स्क्वेयरिंग करके आंसर आएगा। डिसाइड आपने करना है, आप ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वैसे ये मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है मुझे लगता है कि इसको शायद छोड़ना पड़ सकता है। जो सच है वो सच है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हाँ, अगर सेम आ जाता है बात अलग है। ठीक, ओके, तो मुश्किल क्वेश्चन था, इसको छोड़ देते हैं। ये हमने क्वेश्चन शायद कर लिया था, ये नहीं करना। एक चीज मुझे और बतानी है मेंस वालों, मेडिकल वाले फिर रिलैक्स करें दो मिनट, ठीक, उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि मेंस के अंदर आपको पुराने प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो एक फॉर्मूला बताना है मुझे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मेट में गिवन है, आप देखो फॉर्मेट फिर चेंज होगा इक्वेशन का, कॉस ऑफ के जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो वेव की प्रोपगेशन यहाँ पर जेड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आई में है। वो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालो। अब ये एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जो कि सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। तो डी बाई डी जेड, डी जेड का मतलब जेड वो आएगा जो वेव की प्रोपगेशन है। अगर ये एक्स होता तो ये एक्स आ जाता, ये जेड है तो जेड इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी। ये फॉर्मूला याद करें, इसमें पूरे ई को यहां पुट करें और डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ टर्म आएगी। ये आप मैथ्स के लोग कैलकुलस जानते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म आएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी बी और डी टी। तो db और dt को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। अगेन ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली तीन चार साल से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं आपको, ये सिर्फ 2018 और 19 में मिलेंगे, राइट?